तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है गेमिंग विद रेप्टाइल्स में। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप इंडिया में टाइटल कैसे खरीद सकते हैं और कहाँ से खरीद सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर कोई और आपके दोस्त को टाइटल लेना हो, कैसे लेना हो, जो अगर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं आदमी कि कहाँ से लिया जाए टाइटल, कैसे लिया जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इंडिया में टाइटल कैसे लिया जाए, कहाँ से लिया जाए, मैं यही बता रहा हूँ आज। तो मैं आपको आज दो तरीका बताऊँगा जिससे आप टाइटल ले सकते हैं इंडिया में। पहला तरीका ये हो गया कि आप इंडिया में टाइटल जब ले रहे हैं तो सीधा जाके ना पूछे कि आप टाइटल बेचते हैं कि नहीं। तो वो तो सीधा नहीं बोलेगा। मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैं गया था और सीधा पूछ गया था कि टाइटल बेचते हैं कि नहीं, तो वो तो साफ इनकार कर दिया कि वो मैं टाइटल नहीं बेचता हूँ। तो मुझे ऐसे इंटरलिंक बनाना पड़ा, उससे दोस्ती बढ़ानी पड़ी कि आप टाइटल कि मैंने उससे फीसेस लिए, गिनी पिग्स लिए, कुछ बर्ड्स लिए। उसके बाद जाके मैंने पूछा उससे कि आप टाइटल बेचते हैं, तो उसने बोला हाँ मैं तो बेचता हूँ टाइटल। तो फिर मैंने टाइटल लेना स्टार्ट किया, अपने लिए एक दो लिए, उसके बाद दोस्तों के लिए लिए बहुत सारे मैंने। फिर एक कोलकाता में मेरा दोस्त रहता था, वो बोला कि मुझे भी चाहिए स्टार टर्टल्स और स्पॉटेड टर्टल, रेड डियर स्लाइडर और रूफ टर्टल, तो ये सब मांगा मुझसे। तो मैं ठीक है भाई दे देता हूँ, तो लेके गया मैंने, उसे बेच दिया वहाँ पे। और ये एक तरीका हो गया कि आप इंटरलिंक बढ़ाइए, दोस्ती बढ़ाइए उनसे कि इंडिया में टाइटल मतलब कि आप टाइटल बेचते हैं कि नहीं। और दूसरा तरीका हो गया कि आपका जान पहचान होना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं वो लड़का को या उसको जिसको उन्होंने टाइटल बेचा है, या वो भी जानते हैं। फिर आप वो या बोल सकते हैं कि मैं जानता हूँ उनको, आपने उनको टाइटल बेचा है, मुझे भी चाहिए टाइटल। तो ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका ये हो गया कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टाइटल ख़रीदने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कोलकाता में दिया था एक लड़के को टाइटल टॉर्टोइसेस, तो आप मुझसे ले सकते हैं। और फेसबुक में मुझसे बात कर लीजिए, अफी हुसैन नाम है मेरा फेसबुक में, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, हुसैन आफिफ नाम है मेरा। तो बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, मेन बात होती है आप टर्टल का केयर कर सकते हैं कि नहीं। टर्टल का केयर करना बहुत मुश्किल होता है, लोग तो 500-700 का टर्टल खरीद लेते हैं, रेड ईयर स्लाइडर, और उनका ध्यान नहीं रख पाते। कोई किसी किसी को देखता हो कि पूरा एक्वेरियम सबमर्ज कर देते हैं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई बास्किंग एरिया नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई स्पेशल फूड नहीं, और टर्टल मर जाता है इनका। मैंने बहुत आदमी को देखा है कि ले लिया ज़बरदस्ती टर्टल दिखावे के लिए कि मेरे पास एग्जॉटिक है, तो उस कारण से मर जाता है टर्टल्स बहुत सारा। और कुछ कारण हो जाते हैं कि टर्टल जैसे कि यूवीबी लैंप आता है 800 का, उनका हीट बल्ब आता है 400 का, उनका एक्वेरियम सेल्टर वेल्टर के सब साथ आ जाता है 5,000 का। तो कुल मिला के आपको 5 से 6 7 हज़ार का खर्चा होता है। तो जो लोग नहीं करते हैं सोचते हैं कि उनके पास, और हाँ एक बात और कि आपके पास टाइम भी होना चाहिए उनके लिए कि आप उनका देखभाल कर सकें, ये नहीं कि आप पूरा दिन दिन भर बिजी रहते हैं, आके दिन में एक बार बस खाना डाल दिए। एक मेरा दोस्त था, उसके पास भी ऐसे ही मर गया था टर्टल, ध्यान नहीं दिया था, एक्वेरियम में डाल दिया था सीधा।